वेलकम टू माय चैनल आर्ट बाय एसएच। ये पार्ट टू मैं पेंट कर रही हूँ। पार्ट वन में आपको पेंटिंग का राइट साइड पे जो सनसेट के रिफ्लेक्शंस के कलर्स थे वो दिखाए गए थे, और पार्ट टू में इसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा, ये पेंटिंग जो है ये एक पोर्शन में मैं कंप्लीट नहीं करूँगी, इससे रिलेटेड हो सकता है कि एक थर्ड वीडियो पर मैं आपको बना के दिखाऊँ। इसका जो राइट साइड था वो तो कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, यहाँ पे राइट साइड पे डार्क टोन्स लगी हुई हैं। अब लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है वहाँ पे मैं सनसेट के कलर्स अप्लाई करूँगी, जिसमें डार्क ब्राउन कलर और ऑरेंज की डिफरेंट टोन्स होंगी। और अच्छा, यहाँ पे ये कि सनसेट कंप्लीट नहीं है, बस जस्ट अभी स्टार्टिंग ढलता हुआ सूरज है, बहुत ज़्यादा सनसेट नहीं हुआ है, तो कहीं कहीं लाइट के इफ़ेक्ट्स भी आएंगे। और चूँकि वो लड़की जो बैठी हुई है उस पर और लेफ्ट साइड से लाइट पड़ रही है, ये ऑरेंज की टोन मैं साथ साथ लगाती जा रही हूँ, और इसको साथ साथ अपने दूसरे कलर्स के साथ इनकी ब्लेंडिंग भी करते जाना है। ये जो आपका ब्रश है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों स्टाइल में इसकी मूवमेंट होगी, यानी कि जो सन के टोन्स आ रही हैं वो वर्टिकल करते हैं, और पानी में उसको ब्लेंड करने के लिए उसे हॉरिजॉन्टल उसको स्प्रेडिंग की जाती है, क्योंकि वो स्मज हो सके। ठीक है, अब बीच में फिर एक डार्क ब्लू अल्ट्रा मरीन शेड जो होता है उसकी एक लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि पानी में डार्क लाइट्स के और ऑरेंज के जो सनसेट के इफ़ेक्ट्स हैं वो आपस में मर्ज हो सकें। ये सारे कलर्स आपस में एक दूसरे के अंदर ब्लेंड हुए हुए होंगे। दो ब्रशेस मैं यूज़ कर रही हूँ, एक काफ़ी बड़े साइज़ का ब्रश है, और चूँकि कैनवस का साइज़ बड़ा है इसलिए ब्रश का साइज़ भी मैंने बड़ा रखा है, लेकिन कहीं कहीं पे कलर को अगर एक उससे के मुकाबले में अगर पतली लाइन ड्रॉ करनी पड़ रही है तो मैं जो है एक दरमियाने साइज़ का ब्रश यूज़ कर रही हूँ। तो ये दो ब्रशेस का इस्तेमाल है, बड़े ब्रश से मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ और उससे छोटे ब्रश से कलर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, बड़े ब्रश से जो है ये कि ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ होती है। अब फिर ये वर्टिकल स्ट्रोक्स लगा रही हूँ और साथ में उसको ज़िगज़ैग मूवमेंट में उसको ब्लेंड भी कर रही हूँ। अब ये पेंटिंग काफ़ी बड़े साइज़ की है तो इसको कंप्लीट करने में काफ़ी दिन लग जाएंगे, और इस वजह से इसको मैं चूँकि वीडियो लंबी ना हो तो डिफरेंट पोर्शंस में मैं आपको इसके डिफरेंट हिस्सों को कैप्चर करके दिखाऊँगी। अब इधर लेफ़्ट साइड पे भी थोड़े से ऑरेंज के स्ट्रोक्स लगाएं ताकि फ्रेश लुक आए, और उसको रिफ्लेक्शंस को जो राइट साइड पे थे उसको ही लेफ्ट साइड पे भी करना है ताकि वो थोड़े से बैलेंस हो जाए। ये डार्क कलर की टोन्स लग रही हैं, ब्लैक और डार्क ग्रीन की मिक्सिंग है ये, और उसी को कंटिन्यू करते जा रहे हैं डार्क स्ट्रोक्स को। पर्पल की टोन और मजेंटा की टोन्स और रेड ये सारे मिक्स हो रहे हैं। अच्छा, मैंने मॉडल की पिक्चर लेकर और उसका मैंने एक फ़ोटो स्टेट करवा ली थी मोबाइल से, और उसको मैंने अपने कैनवस पे लगाया है ताकि मेरा रेफरेंस जो है वो क्लियर है, और मुझे क्योंकि मॉडल का ये होता है कि इतनी देर तक तो कोई मॉडल बैठ नहीं सकता, तो पोजिंग करवाने के बाद इसको पिक्चर मोबाइल से लेके और उसको फोटो स्टेट करवा लिया था, वो साइड पे वो मैंने पेस्ट की हुई है ताकि मैं उसको ऑब्जर्व कर सकूं। ये बस आप इसको साथ साथ ब्लेंड करते जाएं, साथ साथ कलर लगाते जाएं। ठीक है, आप इसको देखते रहिए।
कलर्स को ऑब्जर्व कीजिए, उसके साथ साथ आप कलर्स को अप्लाई कीजिए। जब आप कभी भी सनसेट की पेंटिंग बनाएं तो उसमें आप देखें कि सनसेट के जो शेड्स होते हैं कितने कैसे लग रहे हैं, उसमें कौन कौन से टोन जा रहे हैं। जो सी पैलेट के अंदर आप सारे कलर्स निकाल के रखिए जो सनसेट में आपको, जैसे येलो हो गया, ऑरेंज और रेड और ब्लू की टोन्स, ये सारी निकाल के रखिए ताकि आपको जैसे जैसे कलर नज़र आते हैं वैसे वैसे कलर्स को अप्लाई करते चले जाएँ। और कुछ आपने पेंटिंग के हिसाब से भी अपने कलर्स को अरेंज करना होता है ताकि आपकी ये भी ना हो कि आपका जो मेन मॉडल है वो बिल्कुल ही उसके बैकग्राउंड के अंदर मिक्स हो जाए, उसको भी आपने करना है। ये मुझे ये जगह चाहिए थी तो मैंने जो फोटोस्टेट करवा के लगाया था पेज वो मैंने उतार दिए और मैं बाकी जगह पे सनसेट के कलर्स के कंप्लीट करूँगी। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मेरी पेंटिंग में जो मेरा मेन फिगर है वो उसके अंदर बिल्कुल ही ब्लेंड ना हो जाए, उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पर रहे। अब ये ऑरेंज के टोन्स लगा रही हूँ तो रिफ्लेक्शंस में सनसेट के जो शेडोज़ होते हैं पानी में उसमें ऑरेंज का कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, तो अब ये ऑरेंज की टोन्स लग रही हैं और इसी को मैं रिपीट करूँगी राइट साइड पर भी, क्योंकि पेंटिंग जो होती है वो एक साइड पे आप एक जगह पे रह के नहीं काम कर सकते, उसको लेफ़्ट राइट अप डाउन हर जगह पे आपको काम करना होता है ताकि जो है बैलेंस पेंटिंग बने। ये नहीं कि एक जगह पे आपने काम कर दिया और फिर नेक्स्ट टाइम मतलब स्केयर्स पे काम करना शुरू कर दें कि ये कंप्लीट हो गया और ये कंप्लीट हो गया, ऐसे नहीं करना। आपने पेंटिंग का जब भी करना है काम तो आपने उसके हर पोर्शन पे थोड़ा थोड़ा करते रहें ताकि आपके कलर्स जो हैं आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे, ये ना हो कि एक तरफ आपकी कलर स्कीम टोटली ऑपोजिट हो जाए। कलर स्कीम ऐसी होनी चाहिए कि जो मतलब बैलेंस हो और वो पूरी पेंटिंग आपकी उसमें कलर्स के थ्रू मूव करती हुई फील हो, आपके कलर्स एक कहीं पर स्टक नहीं होने चाहिए। इससे आगे का काम अब मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी और उम्मीद करती हूँ आपको अब तक की पेंटिंग की समझ आ गई होगी और इसको आप